अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बाजू में बनी घंटी को भी जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लिबा के घरेलू नुस्खे। दोस्तों, जो इंसान मोटापे का शिकार रहता है वो अक्सर कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, इन तीनों बीमारियों में एक साथ घिरा हुआ होता है। फिर इस वजह से उसे इन तीनों बीमारियों को दूर करने के लिए एलोपैथी में अलग अलग तीन तरह की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, जो आगे चलकर लीवर और किडनी पर बहुत बुरा असर डालती हैं। जबकि घरेलू और आयुर्वेदिक उपचार में ऐसा नहीं होता, बल्कि आयुर्वेदिक और घरेलू उपचार में तो बस एक जड़ी बूटी से कई तरह की बीमारियां दूर हो जाती हैं, और वो भी बहुत ही सस्ते दामों में। इसलिए दोस्तों, आज मैं आपको इन तीनों बीमारियों को एक साथ और एक ही जड़ी बूटी से दूर करने के लिए एक ऐसे ही नायाब नुस्खे के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे बस कुछ दिन इस्तेमाल करने से आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, ये तीनों चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। तो चलिए अब जान लेते हैं उस नुस्खे के बारे में। तो दोस्तों, इस नुस्खे में आपको सिर्फ दालचीनी को अच्छी तरह से पीस कर किसी डिब्बे में रख लेना है। इसके बाद रोजाना पूरे दिन में दो बार खाना खाने के एक घंटे बाद आधा चम्मच पाउडर फाक लिया करें। बस इस तरह आपको कुछ दिन इस नुस्खे का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, ये जड़ी बूटी अपना असर इस तरह दिखाती है कि ये खून की नसों में जमी हुई चिकनाई को साफ कर देती है, जिसकी वजह से बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रेंज में आ जाता है। इस तरह ये खून की सफाई भी करती है, इस वजह से शुगर ठीक तरह से बनने लगती है, और बिल्कुल इसी तरह से ये स्ट्रेस को दूर करके ब्लड प्रेशर को बढ़ने नहीं देती, और फिर कुछ दिन बाद हाई बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो दोस्तों, ये नुस्खा इतना असरदार है कि सिर्फ 7 से 10 दिन में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी और डायबिटीज नॉर्मल कर देता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि हर कोई इन घरेलू नुस्खों से फायदा उठा सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बाजू में बनी घंटी को भी जरूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।